उत्तर भारत में एक तरफ लगातार वर्षा और दूसरी तरफ नदियों के बढ़े जलस्तर से परेशानी बनी हुई है। पहाड़ों पर भी भीषण वर्षा का अलर्ट है। आगरा में यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। 45 साल बाद यमुना का पानी ताजमहल की दीवारों से टकराया है। तेजी से बढ़ते जलस्तर की वजह से यमुना का पानी 45 साल बाद ताजमहल परिसर में पहुंच गया। 1978 की बाढ़ में यमुना का पानी ताजमहल के तहखाने तक पहुंच गया था। इस बार भी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सीमावर्ती गांव में भी पानी भर चुका है। यहां प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। ताजमहल के पीछे बने गार्डन में भी यमुना का पानी पहुंच चुका है। एतमाउद्दौला स्मारक से सटकर यमुना बह रही है। शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। यहाँ पोया घाट और ताजगंज शमशान दोनों ही जलमग्न हैं। आगरा में यमुना खतरे के निशान से 2.5 फीट ऊपर बह रही है। जलस्तर से 1-2 फीट तक और बढ़ने का अनुमान भी लगाया जा रहा है और इसी को लेकर प्रशासन अलर्ट है। सोमवार को गुरुकुल बैराज से आगरा की ओर 146,850 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। बैराज से हर घंटे पानी छोड़ा जा रहा है। इससे आगरा में यमुना के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। सोमवार को यमुना का जलस्तर 457.4 फीट तक पहुंच गया। सिंचाई विभाग का अनुमान है कि यह 499 फीट तक पहुंचेगा। लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की जा रही है। यमुना के सभी घाटों पर बैरिकेटिंग कर दी गई है। पिछले 3 दिन से लगातार बढ़ रहा है जलस्तर और अभी लो फ्लड लेवल को क्रॉस कर चुका है, किंतु अभी स्थिति नियंत्रण में है। जहां जहां पानी का बहाव बढ़ा है, जलस्तर बढ़ा है, वहां पर जो भी एहतियातन उपाय हो सकते थे, बैरिकेटिंग कराना घाटों पर या वहां पर पंपिंग सेट लगाना, वो सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। इसके अलावा लोगों को इवैक्यूएट करने की स्थिति में शेल्टर होम और बाकी सारी चीजें भी मुस्तैद रूप से तैयार कर दी गई हैं। अभी किसी भी जगह से लोगों को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं आन पड़ी है, किंतु अगर ऐसी स्थिति आती है तो जिला प्रशासन और नगर निगम इस चीज के लिए तैयार। आगरा में यमुना किनारे पर ताजमहल, एतमाउद्दौला, मेहताब बाग, चीनी का रोजा, रामबाग समेत कई स्मारक बने हुए हैं। जलस्तर बढ़ने से यमुना ताजमहल की दीवार तक पहुंच गई है। यहां एआई ने पहले प्रिंट प्रोटेक्शन का काम किया था, वहां तक यमुना का पानी पहुंच चुका है। एतमाउद्दौला की यमुना किनारे बनी कोठरियों में 1 से 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। रामबाग, चीनी का रोजा, काला गुम्बद, जोहरा बाग, एतमाउद्दौला, मेहताब बाग की दीवारों से यमुना सट कर बह रही है। दयालबाग में निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो चुका है। इसके लिए प्रशासन ने दयालबाग की तनिष्ठ राष्ट्रीय कॉलोनी में नोटिस लगा दिया है। कॉलोनी के सभी 33 मकानों को खाली करने के लिए कहा गया है। यमुना का पानी कॉलोनी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए बाढ़ राहत चौकियां बनाई हैं। दयालबाग में वीडी सिंह इंटर कॉलेज में बाढ़ राहत केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा बल्केश्वर में भी एक केंद्र बनाया गया है।